हिसार में आस्था के नाम पर बच्चे को दान कर दिया गया। माँ बाप ने 5 साल के बड़े बेटे को साधुओं के डेरे में ही दान कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने कब्जे में बच्चा ले लिया, मेडिकल करवाकर CWC को सौंपा गया है बच्चा। और ये जो बच्चा है जिसने ये भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ, ये वही बच्चा है संभवतः। इसी बच्चे को आस्था के नाम पर दान कर दिया है माँ बाप ने। ये खबर हिसार से है। 5 साल इस बच्चे की उम्र है और इस 5 साल के बेटे को साधुओं के डेरे में दान कर दिया माँ बाप ने। सूचना जैसी पुलिस को मिलती है, पुलिस पहुंचती है और कब्जे में इस बच्चे को अपने ले लेती है। मेडिकल करवाया गया इस बच्चे का और CWC को ये बच्चा सौंपा गया है। वो पावड़ा से चढ़ाया है, राजकुमार का लड़का है। 6 तारीख ने चढ़ाए के गए हैं, मारद और फिर करीब 20-21 तारीख के लगभग मारद और आया है। जद के बाद 7-8 बार गांव पावड़ा में डेरा है बाबा बलजीत गिरी के पास गए हैं, भंडारा में भी गए हैं। हर बार 15 दिन में 10 दिन में जावा हाँ, अरीब भी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, 5-10 दिन की बात। 10 दिन पहला उ आए हैं तो उस दिन पावड़े तो आए हैं। किसी तरह बच्चा कल पाँदा हो, स्कूल में नहीं जाता हो, बच्चा पढ़ाई नहीं करता हो, बच्चा तो नहीं को मारा कर्म तो हमें साधु बन गए थे। फिर मारा कर्म तो मांगण का खाण का भी है, बैठ के गद्दी पर करण का भी है। ये करके तो आए हैं नगरी में बारना, किसी का भी जान बिना जाए किसी ने न्यू नहीं बेरा पड़ता कौन आ रहा है। सवेरे उठा टाइम सर, दिन में आराम करा है, जुकर 12 बजे 11:30-12 बजे आराम करके 4 बजे निकलेंगे। हाँ पढ़ाई जुकर अब अलग ले गया है, ईब उठता है स्नान करके ने अपना ट्यूशन पर जाएगा, 4 बजे जाओगे 6 बजे तेरी ट्यूशन पर रहेगा। थोड़ा घना दिन हाँ गाँव में ही यहीं से है। अपने जो जुनाइल ऑफिसर है सिविल पार्षद ने लेकर उनको साथ आया तो यहाँ पहुँचे तो बाबा मिले। उन्होंने बताया कि 5 माह से ये मेरे पास रह रहा है। इसके माँ बाप जो है वो हमारे पास छोड़ के गए थे कनो जो मेन डेरा है वहाँ, और वहाँ से हम लेकर आए। उसके बाद पता चला कि भाई उस बच्चे का पहली कक्षा में उसका एडमिशन करवा रखा है और अब वो ट्यूशन पे गया हुआ है। तब हमने गांव में पता किया तो वो वास्तव में ये पता चला कि वो ट्यूशन के लिए गया हुआ है। अब वो जैसे ही आया तो मेरे जुनाइल अफसर ने उससे सिविल पार्षद ने उससे पूछताछ की। पूछताछ के बाद में अब उनके महाराज जी के पास और उनके पास किसी के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि भाई प्रॉपर उनको लिया जाए। फिर भी इसकी CWC के समक्ष पेश करके उनके बयान करवाने हैं और नियमानुसार कार्रवाई करने। बच्चे को हमने अपने जुनाइल अफसर के साथ ले लिया। तो देखिए आस्था के नाम पर बच्चे को दान किया गया है, मामला हिसार का है। और जानकारी लेंगे सहयोगी संदीप सैनी से। संदीप, ऐसी क्या नौबत आई जो माँ बाप को अपना बच्चा दान करना पड़ा? ये मामला क्या है पूरा? माँ बाप कौन है, क्या वो करते हैं? पुलिस ने क्या पूछताछ करनी शुरू कर दी है माँ बाप से? पूरी अपडेट दीजिए मामले को लेकर। जी, हिसार जिले के सिसाए गांव का ये मामला है जहां डेरे में एक बच्चे को चढ़ाया गया था। वो पावड़ा गांव का रहने वाला परिवार है और उन्होंने आस्था के नाम पर इसको बच्चे को चढ़ाया है। जो महाराज यहाँ मिले थे उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कहा था कि अगर उनके 2 बेटे हो जाएंगे तो वो एक आश्रम में मतलब कि डेरे में अपना बच्चे को दान कर देंगे साधु बनने के लिए। तो उसी को लेकर करीब 5 महीने पहले इसको डेरे में दान किया गया था और उसके बाद अब ये मामला पूरा सामने आया है। और डेरे में जिस तरह से बच्चे को बच्चा जो साधु है करीब 5 साल की उनकी उम्र है और उसका नामकरण तक बच्चे का करवा दिया गया है डेरे के द्वारा। शंकर गिरी अब इनका नाम रखा गया है, पहले का नाम अलग था। और परिवार जो है इनका मजदूरी का काम करता है और 2 भाई थे ये और 1 बहन थी जो और हिसार जिले के पावड़ा गांव के ये रहने वाले थे। जब ये पूरा मामला पुलिस की जानकारी में आया तो पुलिस ने मौके पे पहुंची और जुनाइल ऑफिसर को साथ लेकर बच्चे जानकारी ली। और जानकारी लेने के बाद बच्चे का पुलिस जुनाइल ऑफिसर थे वो और पुलिस बच्चे को अपने साथ ले आई और उसका मेडिकल करवाकर CWC के को सौंप दिया है। अब डेरे से पुलिस ने बच्चे को ले लिया है और उसकी आगे अभी काउंसलिंग होगी और जो परिवार है उनको सूचित कर दिया गया है। आज पुलिस ने उनको परिवार को भी बुलाया है और CWC के हवाले बच्चे को कर दिया गया है। संदीप, ये बच्चा कब से था साधु के पास? जी, करीब पहले 5 महीने का पहले ये साधु के पास आया था और अब ये 15-20 दिन जो सिसाई डेरा है वहां पर आया हुआ था। और हिसार जिले के पावड़ा गांव का ये रहने वाला है बच्चा। इनका परिवार पावड़ा गांव में रहता है और खेत मजदूरी का काम इसके पिता करते हैं। जी।
ठीक है, शुक्रिया आपका संदीप सैन इस खबर को बताने के लिए हमको, जहां पर एक माँ बाप ने आस्था के नाम पर अपना ही बच्चा दान कर दिया।